हाय दोस्तों, वेलकम टू माय किचन। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर जो मैं बताती हूँ इतना आसान बताती हूँ कि आप भी बनाएं और बहुत अच्छी चीज़ बने। तो आज मैं आपको ग्लूकोन सिरप बनाना बता रही हूँ जो कई मिठाइयों में काम आता है। आप यह तैयार भी मिलता है, लेकिन हम घर पे बनाएंगे तो ये शुद्ध रहेगा और अच्छा भी रहेगा। तो देर न करते हुए आइए कि इसमें क्या क्या सामान चाहिए। ग्लूकोन सिरप बनाने के लिए हमें कढ़ाई चाहिए और हमें चाहिए ये 200 ग्राम चीनी मैंने ले ली है, और ये पानी लिया है मैंने आधा कप, और ये नींबू का लेमन जूस मैंने निकाल लिया है 3 नींबू का जूस, और एक चुटकी नमक के लिए है। बस इतना ही सामग्री इसमें चाहिए। तो मैं गैस ऑन करती हूँ। ये गैस ऑन मैंने ऑन कर दी और इसमें मैं डाल देती हूँ चीनी। ये चीनी मैंने डाल दी है। अब चीनी डालने के बाद में इसको कैरेमलाइज नहीं करेंगे, इसमें मैं डाल रही हूँ पानी। ये मैंने पानी डाल दिया, आधा कप पानी। बस इसको गर्म होने देंगे। चीनी हमारी मेल्ड हो रही है, चीनी हमारी बिल्कुल मेल्ड हो गई है और इसमें अच्छा झाग आ गया है। इस स्टेज पे मैं नींबू का जूस इसमें डाल देती हूँ। ये नींबू का जूस डाल दिया, इससे कोई क्रिस्टल नहीं बनेंगे। और मैं अब इसमें डाल देती हूँ एक चुटकी नमक। एक चुटकी नमक मैंने डाल दिया है। बस अब देखिए इसमें झाग बन रहे हैं। बस ये झाग हमें चाहिए। अब हम हिलाते जाएंगे, लो टू मीडियम इसकी फ्लेम रखेंगे गैस की। और देखिए कितना बिल्कुल कांच जैसा बिल्कुल चमकदार शुद्ध ग्लूकोन सिरप हमारा बन करके कंप्लीट हो जाएगा। हम हिलाते जाएंगे इसको या नहीं, इसको चेक करने के लिए हमने ये पानी लिया है। एक कटोरी पानी लिया हमने। अब इसमें हम एक कुछ ड्रॉप इसमें डालेंगे। ये देखिए, अब हम इसको चेक करते हैं। देखिए इसकी एक गोली टाइप बन जानी चाहिए। तो हम निकालते हैं इसको, तो ये है। ये देखिए अभी कुछ ये थोड़ा सा टाइट तो हुआ है, लेकिन इसकी अभी थोड़ा सा हम 2 मिनट और रखेंगे। ये खिंच रहा है, ये खिंचना नहीं चाहिए। कर लिया और अब ये हम चेक कर लेते हैं फिर से। अब मैं चेक करके बताती हूँ। वाओ, क्या शानदार बना है। ये देखिए बिल्कुल ऐसा ही हमें चाहिए। ये देखिए इसकी पूरी गोली बन गई है। दोस्तों, इसकी पहचान यही है, हमारा ग्लूकोन सिरप बन करके तैयार हो गया है। जब इसमें गोली बन जाती है तो इस पानी को फेंक देते हैं हम। हमारा सिरप तैयार है, निकाल लेती हूँ दोस्तों। ये देखिए ये बिल्कुल वैक्स जैसा होता है, इसको हमने निकाल लिया। और मैं इसको कांच के छोटे जार में रखूंगी, जिससे जब भी मिठाई में डालना हो मैं डाल सकती हूँ। आप भी इसी तरह से बनाएं। दोस्तों, ये बनाना बहुत आसान है और ये प्योर होता है, तो आप भी इसी तरह से ग्लूकोन सिरप बना सकते हैं। और दोस्तों, मेरा चैनल आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।